तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे यहाँ पर AJ स्टाइल का जो रिटर्न है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है WWE की तरफ से। उसके बाद गाइस कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आखिर क्या कुछ हुआ और यहाँ पर ब्लड लाइन टीम ने आखिर क्या कारनामा कर दिखा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं रोमेज का एपिक ट्रांसफॉर्मेशन। 2021 में रोमेज किस लेवल पे थे और 2024 में जाकर किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बैड ब्लड को लेकर, आखिर बैड ब्लड में आखिर कितने मैचेस ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं अभी तक। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर AJ स्टाइल को लेकर। अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आपको यहाँ पर AJ स्टाइल दिखाई देते हुए मिलेंगे। वैसे गाइस यहाँ पर काफी समय होने के बाद यहाँ पर AJ स्टाइल का रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं आखिर कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत होती है यहाँ पर रैंडी ऑर्टन अपना प्रोमो सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ। यहाँ रिंग में आने के बाद वो कोडी रोड से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ पर रोमेज के साथ अलायंस क्यों किया यहाँ पर मैच फाइट करने के लिए। जैसे यहाँ पर कोडी रोड एक्सप्लेन कर रहे होते तब यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम आ जाती है और केविन ऑन भी साथ में आ जाते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच एक मैच देखने को मिल जाता है और फाइनली गाइस आगे चलकर इस मैच के यहाँ पर विनर बन जाती है ब्लड लाइन टीम। उसके बाद गाइस एक और मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हुआ था पहले ही, कार्मेलो हाइड वर्सेस आंड्रे के बीच, जहाँ कार्मेलो हाइड आंड्रे को हराकर इस मैच के विनर बन जाते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर को लेकर। तो गाइस WWE का ऐसा मानना है कि इस बार का जो यहाँ पर बैड ब्लड होने वाला है वो इनकी होस्ट यही सब करने वाले जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर। तो गाइस इस बार बैड ब्लड के लिए अभी तक यहाँ पर ऑफिशियली 5 मैचेस ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं WWE की तरफ से। वैसे पहला मैच आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर CM Punk वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच हेल इन अ सेल में। वैसे गाइस दूसरा मैच भी आपको हेल इन अ सेल में ही दिखाई देने को मिलेगा, जहाँ लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीच होगा और डोमिनिक मिस्ट्रो यहाँ पर हेल इन अ सेल में ऑलरेडी रहेंगे। उसके बाद तीसरा मैच होगा डेमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच और चौथा मैच यहाँ पर नाया जैक वर्सेस बेली के बीच होगा। और गाइस फाइनली लास्ट मैच आपको देखने को मिलने वाला वो होगा यहाँ पर कोडी रोड रॉम रेंज और यहाँ पर सोलो सिकोवा वर्सेस यहाँ पर जैको फातू के बीच। वैसे गाइस इस पर एक वीडियो काफी जल्द आने वाला है, जहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन किस मैच में विनर होने वाला है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमेज का एपिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जब यहाँ पर 2021 में रोमेज रिटर्न किए थे तो उनका एक ही स्लोगन था यहाँ पर एक्नॉलेज मी, और 2022 में यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल, और 2023 में वो बिना टी शर्ट के ही फाइट कर रहे थे, और 2024 में जब इनका रिटर्न होता है तो OTC के नाम पर। वैसे गाइस इनमें से आपको कौन सा कैरेक्टर रोमेज का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद गाइस आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को आखिर क्या कुछ होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर AJ स्टाइल का यहाँ पर रिटर्न होगा, उसके बाद नॉमी और ट्रिफनी स्टेशन के बीच एक मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर मिचिन और चेस्ला ग्रीन के बीच यहाँ पर एक मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में एक ट्रिपल थ्रेट लेडर मैच देखने को मिला, जहाँ एक तरफ ब्लड लाइन होगी, दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट होगी और तीसरी तरफ यहाँ पर डिया वाली टीम होगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये तीनों सुपरस्टार को, जहाँ एक तरफ जी उसो है, दूसरी तरफ यहाँ पर कोडी रोड और तीसरी तरफ यहाँ पर एलए नाइट है, और तीन ये ऐसे सुपरस्टार थे जहाँ 2023 में इनके पास एक भी टाइटल नहीं था, और आप देख सकते हैं इस समय 2024 में सारे के पास यहाँ पर एक एक टाइटल है। वैसे गाइस इनका यहाँ पर हार्ड वर्क भी पे ऑफ करता है, क्योंकि इनसे ज्यादा कंसिस्टेंट रेसलर हमने किसी को नहीं देखा WWE में अभी तक। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।